Sunan. Today we read the lesson being on TSO again. Iska part third hai hum. Teesra para iska utha rahe hain. Hum kahan pahunche the? Fatima phir se poochti hai uske baap se. Are there any people living around Pingong? फातिमा पूछती है क्या पिंगांग के इर्द गिर्द कोई लोग रहते हैं? Whose father? I told you people are allowed to go only 7 kilometers along the shore of the lake. At that point is a village called Spangmit. There are a few more villages with little population around Pingong from Spangmit, the Changmo mountain range can be seen and also its reflection in the lake's water. धहूर का बाप उसे बताता है कि मैंने तुम्हें बताया कि लोगों को झील के किनारे सिर्फ 7 किलोमीटर तक जाने की इजाजत है। उस जगह पर एक गांव है। क्या है? गांव है जिसका नाम है स्पैंगमिंग। पिंगांग के आसपास कुछ और गांव भी हैं जिनकी आबादी लगभग न होने के बराबर है। स्पैंगमिंग से चांगकिमू पहाड़ी है, पहाड़ी का सिलसिला देखा जा सकता है और झील के पानी में भी इसकी परछाएं हैं, रिफ्लेक्शन है। फातिमा फिर पूछती है, How do these people live there in winter? फातिमा फिर पूछती है कि ये लोग सर्दियों में वहां कैसे रहते हैं? हूज फादर कहता है, They live there only in summer. In winter, they live with their flocks of sheep and pashmina goats to distance. Pastures there they live in tents called vibhu. Pasture किसको बोलते हैं? बोलते हैं चरागाह को। फातिमा पूछती है, हूर का फादर आगे से कहता है कि फातिमा जब पूछती है लोग सर्दी में कैसे रहते हैं तो उसका बाप कहता है कि वो सिर्फ गर्मियों में रहते हैं। सर्दी में अपने भेड़ों को और पश्मीना बकरियों के जुनों के साथ वो दूर चले जाते हैं चरागाहों में और वहां पर वो अपने टेंट वगैरह लगाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? रिबू। क्या कहते हैं उनको? रिबू कहते हैं। नदीम पूछता है, दैट मींस दे आर नोमिड्स। नदीम कहता है, इसका मतलब हुआ नोमिड्स किसको बोलते हैं? खानाबदोश को, कि वो खानाबदोश हैं। हूज फादर? यस दे आर कॉल्ड चंगपा। तो हूर का बाप कहता है, हाँ उन्हें चंगपा कहा जाता है। फातिमा कहती है, What do these people eat in summer? ये लोग समर में वहाँ गर्मियों में क्या खाते हैं? Poor father, they cultivate barley and peas only sufficient for themselves. Poor का बाप कहता है कि वो जौ और मटर उगाते हैं जो उनके लिए काफी होता है। तो फातिमा फिर कहती है, Do these people cause pollution to their lake? क्या वो गंदगी करते हैं इस झील में? हूर का बाप कहता है, नो पिंगोंग इज अ वेरी क्लीन लेक विद प्लेसेड वाटर। प्लेसेड किसको कहते हैं? पुरसुकून। इट इज बीइंग आइडेंटिफाइड एज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसार कन्वेंशन। वेटलैंड किसको कहते हैं? मर्दूब जमीन को। हूर का बाप कहता है, नहीं पिंगोंग एक पुरसुकून पानी वाली एक पाक साफ झील है। रामसर समझौते के मुताबिक उसे बैन अलावा अहमियत वाले मर्दूब इलाके की शक्ल में नुमाया किया गया है। हूर आगे से फिर कहती है, What does that mean? उसका क्या मतलब है? कौन कहती है? हूर। आगे से हूर फादर कहता है, It means that Pingong will be looked after by an international organization that will make sure it is not polluted and will also conserve its children. It is time for your studies now. कंजर्व किसको कहते हैं? महफूज रखना। हूर का बाप कहता है, नहीं इसका मतलब है कि पिंगोंग की देखभाल एक बैन अक्वामी जो तंजीम के जरिए की जाती है। इस बात को यकीन भी बताएंगे कि उसे अलूदा ना किया जाए। मतलब उनको बताया गया कि उसको अलूदा ना किया जाए, उसे महफूज रखें। फिर उसका बाप कहता है, बच्चों आपको पढ़ने का वक्त हो गया है। तो आगे से बच्चे क्या कहते हैं? नदीम, When will you tell us about the journey to Pingong? नदीम फिर पूछता है कि आप पिंगोंग के सफर के बारे में हमें
कब बताएंगे? हुड्स फादर कहता है, द नेक्स्ट टाइम वी मीट फॉर श्योर, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे यकीनन मैं आपको क्या करूंगा, पिंगांग के सत्र के बारे में बताऊंगा। आज हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, कल हम इंशाल्लाह ऐसे क्या करेंगे, क्वेश्चंस।